हाय एवरीबॉडी, गणतक माइंड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर नंबर 2 में वी आर गोइंग टू स्टडी रेशनल नंबर्स। व्हाट इज अ रेशनल नंबर? द नंबर इज कॉल्ड रेशनल इफ इट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। कोई ऐसा नंबर जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकें उसको रेशनल नंबर बोलेंगे। आगे बोल रहा है कि p by q फॉर्म का मतलब क्या है, where p and q are integers, है ना? तो p और q के बारे में बोला उन्होंने, integers हैं। अब आपने देखा integers चार तरह के होते हैं ना, कोई सा भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, कुछ भी। लेकिन एक शर्त और लगाइए साथ साथ, p and q are integers and q not equal to zero। जो ये नंबर क्यू है वो जीरो बस नहीं होगा, बाकी ये दोनों नंबर इंटीजर्स होंगे, मींस पॉजिटिव इंटीजर्स भी, निगेटिव इंटीजर्स भी, और पी की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। बस क्यू की एक ही कंडीशन है, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं लेनी है। उसका भी रीजन देखेंगे कि क्यू की वैल्यू जीरो क्यों नहीं हो सकती है, उसका भी अपन लोग रीजन लेंगे। तो जो रेशनल नंबर है उनको अपन लोग कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर को कैपिटल क्यू से डिनोट करेंगे। अगर एग्जाम्पल लें कि क्यू के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं 2/3, है ना? आपने देखा p by q फॉर्म में लिखा है, ये भी क्या है, इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। दूसरा ये हो सकता है कि -2/3 ले लिया जाए, -2 को निगेटिव ले ले और 3 एज इट इज हो, ये भी क्या है, इंटीजर से, ये भी इंटीजर से। तो दो इंटीजर्स को इस फॉर्म में लिख रहे हैं पी बाई क्यू फॉर्म में, दैट मीन्स ये क्या है, रेशनल नंबर है। अगर ऐसे लिख दें 2/-3 मीन्स निगेटिव, तो ये दोनों नंबर वैसे तो वैल्यूज में सेम है ना, ये सेम है नंबर, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। थर्ड अगर देखा जाए तो -2/-3 ले लें, जो कि ये नंबर फर्स्ट और लास्ट वाला सेम हो जाएगा, और ये दोनों कैसे हैं, इंटीजर्स हैं। ऐसा भी एग्जांपल ले सकते हैं कि 3 लिख दिया हमने, तो ये भी हमारा क्या है, पी बाई क्यू फॉर्म का है। कैसे पी बाई क्यू फॉर्म का है, तो आप बोलेंगे यार यहाँ पे 1 लिख लो, तो ये हो गया देखिए पी बाई क्यू फॉर्म में। इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं अपन लोग, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 6/2, देखिए पी बाई क्यू फॉर्म, क्योंकि इसकी वैल्यू 3/1 के ही इक्वल है, दैट मीन्स 3 के ही इक्वल है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9/3। ये सारे नंबर्स जो हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, रेशनल नंबर हैं। आते हैं अपन लोग बात करते हैं कि क्यू की वैल्यू जीरो क्यों नहीं होनी चाहिए, क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, उसका क्या रीजन है। देखिए जब लोग हम लोग डिवाइड करते हैं, सपोज आपने डिवाइड किया 7 को 2 से, तो कितनी बार गया यार, 3 टाइम्स। यहां पे जो नंबर अपन लोग लिखते हैं ना, यहां पे जो नंबर लिखेंगे वो क्या होगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन 6 होगा, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ गया, सॉरी 1 आ गया रिमाइंडर। तो ये था डिवीजन, दैट मीन्स डिवीजन कुछ ऐसे होता है। तो यहां पे आए कि अगर बाय द वे चले 5/7/0 लेना है हमें, ये देखना है कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं, इसके बारे में डिस्कशन करना है। अगर अपन लोग डिवाइड करने जाएं 0 से, 7 को 0 से डिवाइड करें, मींस यहां पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यहां पे जो भी नंबर आएगा, यहां पे जो भी नंबर आएगा वो 0 आएगा। आपने कहा कि 1 टाइम, सपोज 1 टाइम जा रहा है डिवीजन, ये इनटू ये मल्टीप्लाई होकर के यहां पे कितना आ गया, 0 आ गया, रिमाइंडर कितना आया, 7। फिर आपने कहा कि फिर डिवाइड करें, तो किसी ने कह दिया कि भाई 3 टाइम्स ले लो, तो आपने 3 ले लिया, 3 × 0 कितना आ गया यार, 0। फिर आपका ये, और ये सीरीज चलती चली जाएगी। किसी ने कहा कि नहीं, हम लोग डिवीजन जो है वो ऐसे कर सकते हैं, 0 को डिवाइड करोगे आप, सपोज आपने कर लिया 5 से डिवीजन किया, कितनी टाइम्स गया, तो बंदा बोल रहा है कि नहीं कि जो डिवीजन है वो सपोज हमारा 4 टाइम्स जा रहा है, इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ये हो गया हमारा 5 रिमाइंडर। फिर अगर डिवीजन करें तो अगला बोल रहा है कि नहीं 5 टाइम्स, तो 5 × 0 कितना हो गया, 0। इस तरह से ये भी सीरीज चलती रहेगी, डिवीजन चलता रहेगा।
तो इस बात का ना डिवीजन का मतलब क्या होता है यार, इस 7 को 0 लोगों में डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिवीजन का ये मीनिंग होता है 0 लोगों में देना है। तो कुछ बोल रहा है कि यार 1-1 मिलेगा, कुछ बोल रहा है 3-3 मिलेगा, कुछ बोल रहा है 4 मिलेगा, कुछ बोल रहा है 5 मिलेगा। तो अलग अलग एस्पेक्ट्स मीन्स आपने देखा कि जो डिवीजन है इसका, जब आप डिवाइड करते हो तो कभी आंसर ये आ रहा है, कभी आंसर ये आ रहा है। दैट मीन्स 7/0 जो है वो एक फाइनल, एक जो फाइनल आंसर है वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। ये यहाँ पे 13, यहाँ पे 45, आगे भी अभी डिवीजन हमारा शुरू है। और ये नॉट एंडिंग प्रोसेस हो सकता है ना, नॉन एंडिंग प्रोसेस, आपका एंड होने वाला नहीं है। तो आप जब डिवीजन किया, यहाँ पे जब आपने डिवीजन किया तो आपने रिजल्ट ये पाया कि जब डिवीजन कर रहे हैं तो कभी ये डिवीजन आ रहा है, क्वेश्चन ये आ रहा, कभी क्वेश्चन ये मिल रहा, किसी थर्ड बंदे के हिसाब से क्वेश्चन कुछ और मिलेगा, अगले बंदे के हिसाब से क्वेश्चन कुछ और मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन डिफाइंड नहीं है, फिक्स नहीं है आंसर की यहाँ पे क्या मिल रहा है, क्वेश्चन फाइनली क्या मिल रहा है फिक्स नहीं है, डिफाइंड नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इस बात को बोल देते हैं अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, ये चीज अनडिफाइंड होती है ना। तो अनडिफाइंड, और इसी को एक सिंबल के लिए इंफिनिटी यूज करते हैं, ये कि इंफिनिटी है। दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है, या दूसरी तरह से इसको ये समझ सकते हैं कि समथिंग अपॉन जीरो, है ना, कोई भी नंबर लिख रखा है, समथिंग कोई भी नंबर है, एनी नंबर, मतलब एनी रियल नंबर ऐसा बोल सकते हैं, अपॉन जीरो, ये क्या होता है इंफिनिटी। और बाय डेफिनेशन ऑफ इंफिनिटी ऐसा बोला गया कि इंफिनिटी क्या है, लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है। एक तो उस तरह से समझ सकते हैं, दूसरी तरह ये है हमारा समझने का तरीका कि दुनिया में जो इन्फिनिटी है वो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा, जितना बड़ा एग्जिस्ट हो सकता है वो नंबर है। तो फिर किसी दूसरे बंदे ने कहा अगर ये सबसे बड़ा दुनिया का नंबर है तो फिर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी करने पे ये तो 2 times इन्फिनिटी आ जाएगा, तो अब तो ये बड़ा होना चाहिए। किसी ने कहा कि अगर हम इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी कर ले तो ये तो और बड़ा नंबर, इन्फिनिटी का स्क्वायर और भी बड़ा नंबर हो जाएगा। दैट मीन्स जिस नंबर को आप दुनिया का सबसे बड़ा नंबर बोल रहे थे उसके बाद भी कुछ बड़े नंबर्स मिल रहे हैं। तो बोला गया कि ये नंबर जो है वो डिफाइंड नहीं हो पाएगा ना, सबसे बड़ा दुनिया का जो सबसे बड़ा नंबर है वो डिफाइंड नहीं हो पा रहा। कुछ इसी तरह से डिवीजन की भी केस है कि जब आप डिवाइड करते हो तो क्वेश्चन अलग अलग आ रहे हैं, हर एक बंदे के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आ रहा है। दैट मीन्स आपने बोला कि जो डिवीजन है वो अनडिफाइंड है ना, तो इसीलिए बोला गया कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे रेशनल नंबर में क्यू जीरो ना हो उसका रीजन ये है। दूसरा अगर बोला जाए कि क्या पी जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पी के जीरो होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पी के बारे में बोले कि पी, सपोज पी बाई क्यू में पी जीरो ले लिया आपने, ये जीरो है क्योंकि वैल्यू 5 ले ली, मतलब जीरो को डिवाइड करना है, जीरो को डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 लोगों में, तो कितना कितना मिलेगा यार, जीरो जीरो ही मिलेगा, जब कुछ है नहीं तो कुछ मिलेगा भी नहीं, है ना, हर बंदे को जीरो जीरो मिल जाएगा। तो ये जीरो क्या है, आपका एक रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, और ये रियल नंबर है, और ये रेशनल नंबर भी है ना भाई, रेशनल नंबर, तो इसको बोल सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है, जीरो भी रेशनल नंबर है और ये नंबर भी रेशनल नंबर है। तो आपने डेफिनेशन देखी है ना, डेफिनेशन ये है कि हमारे रेशनल नंबर की क्या है कि कोई भी नंबर उसको पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सके, है ना, जहां पे पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। पी और क्यू कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। तो कोई बंदा अगर ये बोले कि ये नंबर है सपोज 2/3, है ना, जो कि इंटीजर नहीं है, और यहां पे आपका 5 हो, और आपसे ये पूछे कि ये वैल्यू क्या बताइए कि इंटीजर्स, सॉरी रेशनल नंबर है कि नहीं, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जब सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे तो यहां पे आ जाएगा यार 2, देखिए इसके अपॉन में 1 होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, मींस 2 into 1 न्यूमरेटर में लिखेंगे, 3 into 5 डिनोमिनेटर में, 3 into 5
means 2 upon 15. ये कैसे, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, p by q form हो गया, that means ये कैसा है, rational number है, इसको आप rational number बोल सकते हैं। दूसरा अगर example ले अपन लोग कि root 2 upon 3, अब इसके बारे में अगर बोलना हो कि rational number है कि नहीं, है ना, तो क्या देखें, ये simplify हो करके p by q form में लिख सकते हैं क्या, तो p by q form में लिखा है, लेकिन अगर देखिए क्या ये इंटीजर है, तो ये इंटीजर नहीं है यार, ये इंटीजर नहीं है और ये इंटीजर है, दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, इसका मतलब नॉट अ रेशनल नंबर, नॉट अ रेशनल नंबर। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी कि रेशनल नंबर क्या है क्या नहीं होते हैं। तो ये था रेशनल नंबर। इसके बाद हमारा आता है नॉन रेशनल नंबर, डेफिनेशन है नॉन रेशनल नंबर की, द नंबर्स विच can not be written as p by q form, जिनको p by q form में नहीं लिख सके, form written as p by q form is called irrational number, irrational number हमारे कहलाते हैं, है ना। वे नंबर जिनको हम लोग p by q फॉर्म में नहीं लिख सके वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। यहां पे भी वही कंडीशन है यार, ये p और q क्या है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हो, और दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त ये है कि q नॉट इक्वल टू जीरो हो, q की वैल्यू जीरो ना हो, ऐसा बोल सकते हैं। अगर एग्जांपल दिया जाए कि इरेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल, तो आप बोल सकते हैं कि रूट टू ये हमारा कैसा है, इरेशनल नंबर है, प्रूविंग करेंगे कैसे आया ये इरेशनल, ठीक है, वन, दूसरा है हमारा रूट थ्री, थर्ड है रूट फाइव। अगर आपसे बोला जाए कि रूट 16 के बारे में कि क्या ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, तो आपने कहा कि ये स्क्वायर रूट है ना, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, और 4 क्या होता है, पी बाई क्यू फॉर्म, है ना, ये पी बाई क्यू फॉर्म है, जहां पे ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर से, इसका मतलब ये आपका रूट 16 कैसा हुआ, अब ये हमारा कैसा है, रेशनल नंबर है। इनको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते, रीजन ये है कि जब आप इनको डेसिमल नंबर्स पे लिखोगे, है ना, जब डेसिमल नंबर्स पे लिखोगे, लिखने के बाद आप इनका जो डेसिमल फॉर्म आएगा वो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, और आपने कहा था कि जो नंबर्स नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं, ना, तो ये इस तरह से इरेशनल नंबर्स हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो क्या, रियल नंबर का क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स, मींस रियल नंबर कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हमने स्टडी की। अगर इन शॉर्ट सारे कंसेप्ट को मिला करके एक बार में पढ़ा जाए तो वो क्या यार, इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं कि वन टू थ्री फोर डाटा डाइस, है ना, ये जो नंबर्स हैं ये क्या कहलाते हैं यार, ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। इन्हीं नंबर पे आपने क्या ले लिया, जीरो और बढ़ा दिया, इन्हीं नंबर पे जीरो और बढ़ा दिया, मीन्स ये सारे नंबर और जीरो ये सब मिल करके हमारे क्या कहलाते हैं, होल नंबर कहलाते हैं, होल नंबर, मीन्स जीरो और ये सारे नंबर मिल करके क्या हो जाते हैं, होल नंबर। अगर इन्हीं नंबर्स में निगेटिव नंबर्स भी डाल देते हो, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर डेट एडर्स अप टू इन्फिनिटी, तो जो ये सेट बना, ये कलेक्शन बना किनका, किनका, ये नंबर्स का, इसका और इन नंबर्स का,
ये सब का कलेक्शन क्या कहलाता है हमारा, इंटीजर्स, इंटीजर्स कहलाएगा। यहीं पे अगर इन्हीं नंबर्स में, इन्हीं नंबर को लेकर के, इन्हीं नंबर्स को लेकर के बस क्यू जीरो ना होने पाए, और भी नंबर लेते हैं, सपोज 2/3 मीन्स ये कहते हैं पी बाई क्यू, वेयर वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी और क्यू कैसे हो, इंटीजर्स हो, तो इनका कलेक्शन, इन सभी का कलेक्शन, कहने का मतलब है ये नंबर्स, इस टाइप के नंबर, ये सारे नंबर्स सब मिल करके हमारे क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर, इनको अपन लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये था रेशनल नंबर्स। इनके साथ साथ ना, इन्हीं के साथ साथ आपके कुछ आते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, इनका भी सेट होता है, क्या होता है, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, ये सारे जो नंबर हैं वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। इन दोनों का, इसका और इसको, दोनों को मिला करके ना, इनको और इन नंबर्स को मिला करके जो आपका सेट तैयार होगा वो क्या कहलाएगा हमारा, रियल नंबर्स, ये रियल नंबर कहलाएगा। मींस रेशनल नंबर्स है ना, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स और इरेशनल नंबर, ये सारे मिलकर के क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो जब भी कोई आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हो है ना, तो वो रियल नंबर लाइन होती है, दैट मीन्स उसमें ये इस टाइप के भी नंबर होते हैं, रेशनल नंबर भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, सारे किसी भी रियल लाइन पे, जब आप लोग रियल लाइन ड्रॉ करते हो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो ये इसमें जो पॉइंट्स होते हैं है ना, जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो रियल नंबर्स होते हैं। कहीं कभी एक पॉइंट आपको रियल नंबर रिप्रेजेंट करेगा, आप ऐसा बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे रियल नंबर्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, वो नंबर्स जिनका स्क्वायर करने पे पॉजिटिव रिजल्ट मिले वो नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। लेकिन वो नंबर जिनका स्क्वायर करने से पॉजिटिव रिजल्ट ना मिले, निगेटिव रिजल्ट मिले, वो हमारे इमेजनरी नंबर कहलाते हैं ना। तो दूसरा हमारा अलग से होता है रियल नंबर और फिर है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स में भी हमने डेफिनेशन दी थी कि स्क्वायर रूट ऑफ -2, स्क्वायर रूट ऑफ -5 है ना, इस टाइप के नंबर, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, इमेजिनरी नंबर। इनका आपस में कोई लेना देना वैसे नहीं, ये दोनों मिलकर के इस टाइप के नंबर्स और इस टाइप के नंबर्स मिल करके, अगर एक सर्कल और लिया जाए, एक सेट और बनाया जाए, एक सेट और बनाया जाए, ये सारे मिल करके हमारे क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं, जो कि 11th क्लास में आप लोग इसकी स्टडी करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स मींस जब इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर्स का कॉम्बिनेशन करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार होता है, जिसकी स्टडी आप 11th क्लास में पढ़ेंगे ना। तो जो 10th क्लास में हमारा सिलेबस है वो रियल नंबर्स का है, ऑनली रियल नंबर्स का। तो ये था हमारा नंबर्स का क्लासिफिकेशन, मीन्स नंबर कैसे कैसे डिवाइड होते हैं या नंबर्स किस किस तरह से कैटेगराइज होते हैं। अब आते हैं हम लोग थोड़ी सी और भी बात करते हैं कि इस वाले पोर्शन पे अगर हम लोग होल नंबर की बात करें तो होल नंबर के अंदर कौन है, 0 है, 1, 2, 3, 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर पाए जाते हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनको आप होल नंबर कह सकते हो, है ना, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनको होल नंबर आप बोल सकते हो। लेकिन ये इसी का उल्टा कर दिया जाए कि सारे होल नंबर्स को आप नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते। रीजन ये है कि 0 क्या है, 0 होल नंबर में तो है लेकिन वो नेचुरल नंबर में नहीं है, तो नेचुरल नंबर आप नहीं बोल सकते। तो कहने का मतलब अगर जो ये सिक्वेंस लिखा हुआ है, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रेशनल, तो इसमें हम लोग जब स्टडी करेंगे मीन्स ऊपर से नीचे आएंगे, सपोज ऐसे इस डायरेक्शन में आए, मीन्स अगर हम लोग ये स्टडी करें नीचे से ऊपर जाएंगे ना, तो इस तरह से स्टडी कर सकते हैं। बात को समझिए, भाई ध्यान से सुनिए तो बिल्कुल समझ में आएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं एक ही लाइन पे।
नीचे से ऊपर कभी भी कोई ना पढ़ेंगे, क्या सेंटेंस लेंगे कि ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, कि ये स्टेटमेंट जो है ना होल नंबर्स, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर देखा जाए नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर तो बिल्कुल सही है, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर होते हैं। दैट मींस कभी भी इस टाइप का स्टेटमेंट है ना, इस टाइप का स्टेटमेंट दैट मींस नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ा जाएगा तो वो हमेशा ट्रू होगा, ये हमेशा ट्रू होगा। कहने का मतलब है अगर हम लोग ये स्टडी करें ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर ट्रू, अगर हम लोग ये स्टडी करें ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स ट्रू, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर ट्रू है ना। अगर नीचे से ऊपर हम लोग स्टडी कर रहे हैं ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स ट्रू, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स ट्रू है ना। कहने का मतलब है नीचे से ऊपर की तरफ जब स्टडी करेंगे, मींस इसको बोल सकते हैं अपवर्ड स्टडी, जब भी अपन लोग अपवर्ड स्टडी करेंगे तो स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा, अपवर्ड स्टडी करेंगे। इसी तरह अगर अपन लोग डाउनवर्ड स्टडी करेंगे तो फॉल्स जाएगा, डाउनवर्ड स्टडी में ये फॉल्स जाएगा भैया ना, ये फॉल्स हो जाएगा, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। कहने का मतलब ये है अगर हम कुछ इस तरह से रीड करें और होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर है ना, फॉर एग्जांपल अगर बात करें ऑल होल नंबर, होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो आपको यार पहले से भी पता है ना कि जीरो जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होता, और आप बोल रहे हैं कि सारे के सारे होल नंबर्स क्या नेचुरल नंबर होते हैं, तो हाँ कुछ होते हैं ये वाले होते हैं नेचुरल, लेकिन जीरो नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट तो है ना सबके लिए ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। तो कभी भी हम लोग ऊपर से नीचे डाउनवर्ड स्टडी करेंगे, डाउनवर्ड स्टेटमेंट बनाएंगे तो वो फॉल्स जाएगा, जब भी हम लोग अपवर्ड स्टडी करेंगे अपवर्ड स्टेटमेंट बनाएंगे तो वो हमारा क्या होगा ट्रू होगा। तो ये था हमारा रियल नंबर से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है ना। अब कुछ पॉइंट्स लेते हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे जो जैसे अगर बात की जाए आपसे कि पाई, पाई के बारे में बोले पाई रेशनल है या इरेशनल नंबर है ना, पाई जो है वो रेशनल है या फिर इरेशनल है। तो पाई की अगर देखें दो वैल्यू लिखी जाती है, एक 22/7 ऐसे लिखी जाती है, दूसरी लिखी जाती है 3.14, जो कि ये दोनों वैल्यूज, दोनों वैल्यूज हमारी क्या होती है अप्रॉक्स वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, अप्रॉक्स वैल्यू होती है। पाई की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्स में इतनी होती है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात की जाए, एग्जैक्ट वैल्यू की बात की जाए कि क्या हो सकता है, तो उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, इसकी कोई अभी आइडिया नहीं है। लेकिन यहीं पे है, तो जब कोई आइडिया नहीं है कि ये वैल्यू क्या है, तो पाई को अपन लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 22/7 नहीं होती है, ना ही 3.14 होती है, ये अप्रॉक्सिमेट वैल्यू है, अप्रॉक्स वैल्यू है। वही अगर हम लोग पाई 22/7 को डिवाइड जब करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो आप बोल सकते हैं कि 3.1457 1457 1457 1457, इस बात को अपन लोग लिख सकते हैं 2/22/7। यहां से नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स 3.1457 पे बार यूज कर लेंगे, मीन्स ये क्या है, कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है ना, एंड रिपीटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं ना, मींस p बाई q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो ये वैल्यू है एग्जैक्टली 22/7 जो वैल्यू है वो हमारी रेशनल नंबर है। ध्यान से समझिएगा भाई, ये रेशनल नंबर है 22/7 है ना, लेकिन ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू कुछ और है, ये प्रॉक्स वैल्यू है। लेकिन तो पाई के बारे में अगर पूछा जाएगा तो बोलेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। पाई पाई कैसा है? इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए 22/7 वो कौन सी वैल्यू है, तो रेशनल नंबर है। पाई 22/7 के एग्जैक्ट इक्वल नहीं होती है ना, ये प्रॉक्स वैल्यू होती है। एग्जैक्ट वैल्यू जो इसकी होती है वो कुछ और है, उसका आइडिया नहीं है कितनी है ना, उस बात का कोई आइडिया नहीं है कि कितनी है, अभी कैलकुलेट नहीं हो पाई है, इसके बारे में सही जानकारी नहीं है कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, इसीलिए हमने कह दिया कि ये इरेशनल नंबर है। क्योंकि जब डिवीजन करने जाएंगे तो मे भी शायद वो ऐसा नंबर हो कि नेवर एंडिंग हो और नॉट रिपीटिंग हो, तो इसलिए उन्होंने कह दिया पाई को इरेशनल नंबर। तो कभी भी आएगा कि पाई कैसा नंबर है तो ये सिंबल जब यूज होगा तो आप इरेशनल नंबर बोलोगे, और अगर बोला जाए 22/7 कैसा नंबर है तो वो रेशनल है। क्यों रेशनल है? इस वजह से रेशनल है कि ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। तो जो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग्स होते हैं वो नंबर हमारे क्या कहलाते हैं यार, रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो कोई ये भी कह सकता है यार पाई की वैल्यू तो ये होती है, दोनों रेशनल होना चाहिए, तो पाई की ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होती, ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये था हमारा एक स्पेशल नोट्स। अब आते हैं कुछ और टाइप्स के भी नंबर होते हैं ना, कुछ नंबर्स और टाइप के होते हैं, जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर है ना, कंपोजिट नंबर, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर्स में ये चीज भी, जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें इन चीज़ों का यूज है, वहाँ पे टर्म्स है ना कि कंपोजिट नंबर है या फिर प्राइम नंबर्स है, ऐसे कुछ टर्म्स हैं तो उनका आइडिया होना चाहिए हमारा। तो आते हैं अपन लोग करते हैं, सबसे पहले इवन नंबर देखते हैं। इवन नंबर कौन कौन से नंबर्स, विच आर मल्टीपल्स ऑफ टू आर नोन एज इवन नंबर, और ये डेफिनेशन दे सकते हैं मतलब टू के मल्टीपल्स हो, जैसे टू का मल्टीपल्स देख ले, टू इंटू वन कितना आ गया, टू आ गया, टू इंटू जीरो कितना आ गया, जीरो आ गया, टू इंटू टू कितना आ गया, फोर आ गया, टू इंटू थ्री सिक्स आ गया, कुछ ऐसे सीरीज चलती चली जा रही है ना, ये सारे नंबर क्या है हमारे, इवेन नंबर सही। टू इंटू 105 तो आपका हो जाएगा 210 है ना, ये सारे नंबर्स कैसे हैं, इवेन नंबर्स हैं। तो जो दो के मल्टीपल्स हैं, जो भी नंबर दो के मल्टीपल में से हैं, वो सब क्या कहलाते हैं हमारे, इवेन नंबर्स कहलाते हैं। दूसरी डेफिनेशन ये है कि नंबर्स विच आर परफेक्टली डिविजिबल बाई टू, और परफेक्टली डिविजिबल बाई टू का मतलब क्या है, रिमाइंडर जीरो आए। जब किसी नंबर को टू से डिवाइड करो तो रिमाइंडर जीरो आए है ना, तो उस केसेस को बोलते हैं, उस नंबर्स को बोलते हैं कि वो नंबर हमारा कैसा है, इवन नंबर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा, चेक करना है 1, 2, 4, 8 इस नंबर के बारे में, तो आपने कहा कि इसको 2 से डिवाइड किया, कितनी टाइम्स गए, 6 बार है ना, 12 आ गया, 0 कैरी किया यहाँ पे 4, 2 से डिवाइड किया 2 टाइम गया 4, 0 आ गया, फिर कैरी किया 8 और कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, तो ये 8 हुआ और 0 रिमाइंडर, रिमाइंडर फाइनली कितना आया, 0 आया। जब रिमाइंडर 0 आता है तो आप बोलते हैं कि ये जो नंबर है ना, टू, इस नंबर को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कैसा मिला, 0। तो ये जो नंबर है वो हमारा क्या कहलाएगा, इवन नंबर कहलाएगा।
तो इवन नंबर्स कब होते हैं? जब किसी भी नंबर्स के एंड का डिजिट, हाँ, किसी भी नंबर के एंड डिजिट्स ना, एंड डिजिट जो है, लास्ट वाली जो डिजिट है वो 0 हो जाए या फिर 2 हो जाए या फिर 4 हो जाए या फिर 6 हो जाए या फिर 8 हो जाए, है ना, इनमें से कोई भी एक होती है। अगर किसी नंबर की एन डिजिट जो है, या ये कहें और डिजिट जो है, वो हमारे क्या हो जाए यार, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई सी भी हो गई, तो वो नंबर हमारा क्या कहलाएगा, इवन नंबर, है ना। उसको डायरेक्टली हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, ऐसे पहचान लेंगे कि ये नंबर हमारा इवन नंबर है। अगला आते हैं यार, नेक्स्ट हमारा है ऑड नंबर्स। तो देखिए जो इंटीजर्स होते हैं ना, अच्छा निगेटिव में भी ये नंबर्स होते हैं, निगेटिव अगर मल्टीप्लाई करेंगे नंबर तो निगेटिव ही मिल जाएगा। नंबर्स विच आर डिवाइडेड बाय टू गिव्स रिमाइंडर इक्वल्स टू वन, है ना। कोई ऐसे नंबर्स जो दो से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना दे दे यार, वन दे दे, तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर्स। अगर इंटीजर्स की बात करें, है ना, इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स के पर्सपेक्टिव में ये है कि इवन नंबर्स को हटाने के बाद जो नंबर बचे वो सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं ना। इंटीजर में अगर अपन लोग काउंटिंग करें तो जो भी नंबर्स हमारे क्या है, जो नंबर आपका सॉरी इंटीजर्स, सॉरी इंटीजर्स, इंटीजर्स में इवन नंबर्स को हटाने के बाद जो नंबर्स बचते हैं वो सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, ऑड नंबर्स कहलाएंगे। और इनमें खास बात क्या होती है कि जब भी आप टू से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर वन छोड़ते हैं। सपोज इवन नंबर्स, सॉरी ऑड नंबर्स की पहचान कब करेंगे, कि जब भी, है ना, लास्ट डिजिट जो होगी किसी भी नंबर की, लास्ट डिजिट जो है वो या तो वन हो या फिर 3 हो या फिर 5 हो या फिर 7 हो या फिर 9 हो, इनमें से कोई, इनमें से ना ऑड हो तो वो आपका नंबर है ना। इनमें से कोई एक डिजिट अगर लास्ट डिजिट है, दैट मींस वो नंबर डेफिनेटली हमारा क्या होगा, ऑड नंबर्स में से काउंट होगा, ऑड नंबर कहलाएगा। नंबर्स विच कंप्लीटली डिवाइड्स, द गिवेन नंबर, कह रहा है कि किसी एक नंबर को जो नंबर परफेक्टली डिवाइड कर जाए वो सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, उसके फैक्टर कहलाते हैं। सपोज अगर आपने फैक्टर ऑफ टू की बात की, कि टू के फैक्टर क्या है ना, तो टू को क्या वन भी परफेक्टली डिवाइड करता है, कितनी बार जाएगा, 2 बार, और टू को टू भी डिवाइड करता है, मीन्स 1 बार, ये हो जाएगा 1 और 2, इसके 2 फैक्टर हो गए हैं। टू के कितने फैक्टर हुए, 1 और 2। अगर इसी तरह आपसे कहा जाए फैक्टर ऑफ 4, तो आप बोलेंगे 4 के फैक्टर क्या, 1 से भी परफेक्टली डिवाइड है, 2 से भी हो जाएगा, रिमाइंडर 0 देगा, 4 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 0 आएगा, तो फैक्टर ऑफ 4 क्या है, ये हो गए। इसी तरह थोड़े से दूसरे नंबर्स भेजे, फैक्टर ऑफ 20 है, 20 के फैक्टर्स, तो 20 को कौन कौन सा नंबर परफेक्टली डिवाइड करता है, दैट मींस उससे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 मिले, तो 1 से जब आप डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 0 आएगा, 2 से करने पे रिमाइंडर 0 आएगा, 4 से करने पे रिमाइंडर 0 आएगा, 5 से करने पे रिमाइंडर 0 आएगा, 10 से करने पे और 20 से, है ना। तो टोटल अगर 20 के फैक्टर्स देखे जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 फैक्टर हो गए ना। फैक्टर ऑफ 20 कितने होंगे, टोटल आपके 6 हो गए। तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ फैक्टर्स। एक होता है फैक्टर्स, एक होता है मल्टीपल, है ना। तो मल्टीपल किसी नंबर्स के क्या होते हैं, किसी नंबर्स को अपन लोग इंटीजर से मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना, जो रिजल्ट मिलते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं कि मल्टीपल्स कहलाते हैं, सॉरी मल्टीपल्स कहलाते हैं।
पहली बात तो जो प्राइम नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स में से ही निकलते हैं, नेचुरल नंबर में से ही निकलते हैं। अनेचुरल नंबर है ना, तो ये नेचुरल नंबर ही होते हैं, लेकिन किस टाइप के नेचुरल नंबर होते हैं वो जो देखें, अनेचुरल नंबर अनेचुरल नंबर है ना, ये लोग नेचुरल नंबर ही होते हैं। अनेचुरल नंबर विच हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, ऐसे नेचुरल नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर हों, वो फैक्टर कौन कौन से हों, वन और इटसेल्फ। एक तो वन हो उसका फैक्टर और दूसरा वो नंबर खुद हो, तो वो सारे के सारे हमारे नंबर्स के नेचर, वो सारे नेचुरल नंबर क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। फिर से अगर रिपीट करें, अ नेचुरल नंबर मतलब प्राइम फैक्ट नंबर्स क्या है, अ नेचुरल नंबर्स है या उस टाइप के नेचुरल नंबर्स हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर हों, और वो दोनों फैक्टर कौन कौन से होना चाहिए, वन हो मतलब वन हो या तो वो नंबर खुद हो, है ना, इसके अलावा कोई तीसरा फैक्टर ना हो, या ये कह सकते हैं कोई तीसरा नंबर उसको परफेक्टली डिवाइड ना करे, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन आप लोगों ने लिया कि कुछ एग्जांपल लिए, फैक्टर ऑफ थ्री, तो आपने देखा थ्री को डिवाइड करने वाले कौन कौन से लोग हैं, वन वन करेगा और बस थ्री करेगा, दो ही लोग, वो खुद वन और वो नंबर खुद, फैक्टर ऑफ टू, तो आप बोलेंगे वन और टू। फैक्टर ऑफ अगर बात की जाए, फैक्टर ऑफ सेवन, तो बोलेंगे वन और सेवन, है ना, फैक्टर ऑफ फाइव, ये सारे, तो ये जो एग्जांपल हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर हैं वो कैसे कहे जाते हैं हमारे। अब ये नंबर जो होंगे, ये नंबर टू थ्री सेवन, ये नंबर किस टाइप के नंबर है, प्राइम नंबर के एग्जांपल होंगे, ये प्राइम नंबर है हमारे, प्राइम नंबर्स। तो यहां पे एक नोट बनता है कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनमें से जो इवन ऑड है ना, इवन सिर्फ एक ही इवन नंबर होता है बस, और वो है कौन सा, टू इज ऑनली इवन प्राइम नंबर, जो टू है वो सिर्फ अकेला इवन प्राइम नंबर है, ना टू के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो इवन भी हो और प्राइम नंबर हो, इकलौता इवन प्राइम नंबर वो है, वो कौन सा है, टू, है ना, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे ऑड नंबर्स होते हैं। तीसरी चीज, प्राइम नंबर्स निगेटिव में नहीं होते, डेफिनेशन में है, ये नेचुरल नंबर होते हैं ना, नेचुरल नंबर। कंफ्यूज कोई करना चाहे तो कंफ्यूज मत होइएगा कि आपने माइनस थ्री पूछ लिया और आपसे बोल रहा है कि बताइए कि माइनस थ्री जो है वो हमारा प्राइम नंबर है या नहीं, है ना। तो प्राइम नंबर पहली बात तो नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 से काउंटिंग इनकी होती है, तो नेचुरल नंबर में ही से ही निकालने होते हैं। तो ये था हमारा प्राइम नंबर। इसके बाद आते हैं एक टर्म्स और होता है यार, वो है हमारा कंपोजिट नंबर। तो आपने देखा 2 3 5 7 11 13 17, ये सारे हमारे कैसे हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं ना, ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, कंपोजिट नंबर। अगर अपन लोग बात करें कंपोजिट नंबर, तो डेफिनेशन ये हो सकती है नेचुरल नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, दो से ज्यादा फैक्टर हो जाए, दो फैक्टर होंगे तो प्राइम नंबर, और दो फैक्टर कौन कौन से, वो वन और वो नंबर खुद, है ना,
और दो से ज्यादा अगर फैक्टर होते हैं तो कंपोजिट नंबर कहलाता है, या ऐसे भी बोल सकते हैं जितने भी नॉन प्राइम नॉन प्राइम नंबर्स होंगे, मीन जो प्राइम नहीं होंगे, नेचुरल नंबर्स में से कुछ क्या होंगे, प्राइम होंगे, तो जो बाकी बचे हुए वो सारे के सारे कैसे होंगे, कंपोजिट नंबर, सारे के सारे नहीं, भी आगे देखेंगे वो कौन सा नंबर है जो नहीं है ना। तो दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है हमारी कि ऑल नॉन प्राइम एक्सेप्ट वन, है ना, वन को छोड़ करके ऑल नॉन प्राइम एक्सेप्ट वन इज आर कंपोजिट नंबर, ये हमारे कंपोजिट नंबर होंगे। वन को छोड़ करके जितने भी नॉन प्राइम नंबर हैं, नॉन प्राइम का मतलब भाई प्राइम आपने चेक कर लिया, किसी नंबर को प्राइम कैसे निकालते हैं ना, तो जो अब बाकी बचे हुए नंबर से वो सारे के सारे कंपोजिट होंगे। जैसे अगर आपने एग्जांपल लिया, लेकिन सबसे बेटर एग्जांपल डेफिनेशन ये वाली है कि वो नेचर नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हों, तो जैसे अगर अपन लोग बोले फैक्टर ऑफ फोर, तो वन है, टू है और फोर है, तो ये कितने फैक्टर हो गए, थ्री फैक्टर्स। और अगर तीन फैक्टर है तो आप बोल सकते हैं यार कि ये जो नंबर है, ये नंबर ये कैसा है, कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है। इसी तरह और भी नंबर्स आप देख सकते हैं। देखिए जब तीन दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे तो कंपोजिट होगा, जब एग्जैक्टली हमारे कितना होंगे, दो फैक्टर होंगे, तो वो होगा नंबर हमारा क्या, प्राइम नंबर। बात आती है यहां पे एक नोट्स, वन क्या है ना, वन क्या है, वन इज प्राइम और कंपोजिट। क्वेश्चन ये बना कि वन कैसा ना, तो अगर देखा जाए वन के फैक्टर कितने हैं, वन के फैक्टर, फैक्टर ऑफ वन, वन के कितने फैक्टर हैं, सिर्फ वन ही है, एक ही फैक्टर है, ओनली वन फैक्टर है ना, ओनली वन, एक ही फैक्टर आया आपका। तो जो प्राइम की डेफिनेशन थी वहां पे दो फैक्टर थे, यहाँ पे दो से ज्यादा फैक्टर, तो ये नंबर जो है वन जो है वो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है ना, तो इसके लिए बोल सकते हैं अपन लोग नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। जो वन है वो ना ही तो हमारा प्राइम नंबर है, ना ही हमारा कंपोजिट नंबर है, ये स्पेशल टाइप के नंबर्स हैं, तो ये चीज ध्यान में भी रखेंगे। तो ये था हमारा नंबर्स का कंसेप्ट, नंबर्स कितने टाइप्स की होती हैं, उनका क्लासिफिकेशन और अलग अलग पर्सपेक्टिव में उनकी स्टडी करना। अगला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट नंबर थर्ड, उस पर अपन लोग पढ़ेंगे ईडीएल, और ईडीएल का मतलब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, है ना, उसके बारे में। तो आज के लेक्चर के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।